हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट MLT पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले फटाफट इस सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ सके और उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित हो सके। तो फटाफट शेयर करें, फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं सेल के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेल के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो मोस्ट कॉमनली है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, साथ ही साथ उनको कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ताकि पता चले कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता था या फिर नहीं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आंसर क्या रहेगा? सेल रहेगा। सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे उसे क्या बोलते हैं? टीशू। टीशू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं। अगर आपको पता हो तो कोई भी सेल अगर है तो उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट भी देखने को मिलते हैं, और वो कंपार्टमेंट उनको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑर्गेनेली इनको बोलते हैं। जैसे ये सेल मान लेते हमारे मकान की तरह है, लेकिन हमारे मकान के अंदर क्या मिलते हैं? अंदर कई सारे रूम या कमरे मिलते हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेली बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी सेल के अंदर पाए जाने वाली लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है, तो बताओ लार्जेस्ट ऑर्गेनेली हमारी सेल में पाई जाने वाली कौन सी रहेगी? दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? उसके बाद पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है? फटाफट बताएं। लार्जेस्ट ऑर्गेनली अगर पूछ ली जाए तो इसका आंसर क्या रहेगा? न्यूक्लियस। जो हमारी सेल के अंदर पाई जाने वाली लार्जेस्ट ऑर्गेनली क्या रहेगी? न्यूक्लियस रहेगी। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है, और पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में करता है, और एटीपी के लिए नाम दिया जाता है एनर्जी करेंसी। क्या बोला जाता है इसे? एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ बोला जाता है। किसको? एटीपी को। प्रोड्यूस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमारी सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस मिलता है उससे सटा हुआ आपको मिलेगा, उससे लगा हुआ मिलेगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेरिवेटिव ऑफ, ये किसका डेरिवेटिव है? तो हम बोलते हैं ये न्यूक्लियस का डेरिवेटिव है, यानी कि न्यूक्लियस के पास मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी रफनेस जो होगी वो किसकी वजह से रहेगी? उसके ऊपर राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, और राइबोसोम्स अगर है वहां पर तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है और ऑप्शन में राइबोसोम ना मिले, तो आंसर क्या रहेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम रहेगा? इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसको हम इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसका फंक्शन अगर पूछ लिया जाए तो लिपिड सिंथेसिस में उसके साथ साथ
ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, ड्रग के मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का योगदान रहेगा, रोल प्ले करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को सप्लाई करने का भी काम करता है। तो तीन फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, लिपिड सिंथेसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम की सप्लाई करना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी जब भी कोई फंक्शन करती है तो फंक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी। अब ये एनर्जी है, जो एनर्जी की जो डिमांड रहेगी वो कौन पूरी करेगा, तो उसको पूरी करने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, शॉर्ट टर्म डिमांड जो रहेगी हमारी बॉडी की एनर्जी की, वो कौन पूरी करेगा। और दूसरा अगर लॉन्ग टर्म पूछ लिया जाए, तो लॉन्ग टर्म डिमांड कौन पूरी करेगा, तो शॉर्ट टर्म डिमांड हमको हमारी जो पूरी करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एनर्जी की डिमांड जो है वो लिपिड द्वारा पूरी की जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट टर्म डिमांड और लिपिड लॉन्ग टर्म एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले जो हमारी बॉडी है, बॉडी का वेट जो रहेगा वो वाटर की वजह से कितना होता है, तो वाटर का लगभग 60%, हमारी बॉडी का जो लगभग 60% वेट है वो वाटर की वजह से मिलेगा। अगर पूछ लिया जाए ब्लड कितने परसेंट मिलेगा, तो ब्लड रहेगा अपने पास 7%, यानी कि टोटल अगर आपका वेट 100 किलोग्राम है तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो मिलेगा वो 7 लीटर मिलेगा। तो आपके आपसे पूछ ले कि कितने परसेंट ब्लड मिलता है, तो 7% हमारी बॉडी के वेट का हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रोटीन मेनली कहां पर पाई जाती है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है मेनली कहां पर मिलेंगी, और लिपिड मेनली हमारी बॉडी में कहां पर देखने को मिलती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर मेनली मिलती है, और लिपिड कहां पर मिलती है, एडिपोज टिश्यू के अंदर मिलती है। एडिपोज टिश्यू के अंदर लिपिड और मसल्स के अंदर प्रोटीन देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एनर्जी मेटाबॉलिज्म के एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में। देखो दो टाइप की सेल हम पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक, दूसरा पढ़ते हैं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में एनर्जी मेटाबॉलिज्म के एंजाइम कहां मिलेंगे और यूकैरियोटिक में कहां मिलेंगे, तो ऐसे एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में उनको बोलेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंजाइम, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन यूकैरियोट में कहां पर मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट रहेगा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर ये कहां पर मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पी से प्रोकैरियोटिक, पी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता है हमारी सेल के अंदर क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या देखने को मिलता है, डीएनए, जो कि हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में क्या है, डीएनए है। ये डीएनए जो है ऐसे क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स की स्ट्रक्चर होती है। ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम्स बनाता है, जो फर्दर कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं, और क्रोमेटिन फाइनली क्रोमोसोम बनाने का काम करते हैं। तो क्या बताया मैंने, डीएनए जो है वो हिस्टोन नाम की प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और न्यूक्लियोसोम बनाता है। न्यूक्लियोसोम कंडेंस होगा, क्रोमेटिन बनेगा, और क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछते, देखो डीएनए जो होता है, डीएनए के ऊपर सबसे पहली बात नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा डीएनए का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। हिस्टोन जो रहेगी डीएनए के अपोजिट रहेगी, इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और इसका नेचर कैसा रहेगा, बेसिक रहेगा। यानी कि एसिडिक बेसिक पार्ट दोनों मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलते हैं, तो फाइनली हम कह सकते हैं डीएनए इज ए नेगेटिव एंड एसिडिक मॉलिक्यूल विच बाइंड विद हिस्टोन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक इन
नेचर। तो डीएनए और हिस्टोन का रेशो अगर पूछ लिया जाए, रेशो किस रेशो में डीएनए और हिस्टोन जुड़े हुए होते हैं, किस में, न्यूक्लियोसोम में, तो मैंने आपको बताया जब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा या इसके ऊपर जब लिपटेगा, लिपट जाएगा, तब क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा। तो न्यूक्लियोसोम में कितना रेशो रहेगा डीएनए का और हिस्टोन का, तो ये रहेगा 1:1, 1:1 रेशो में बाइंड करते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो उसको हम बोलते हैं क्या बन गया अपने पास, न्यूक्लियोसोम बन गया। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक डिजीज का नाम यहाँ पे दिया जाता है HGPS, जिसको हम बोलते हैं हचिंसन गिल्फर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो हचिंसन गिल्फर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, ये किस ऑर्गेनली का डिफेक्ट माना जाता है, कौन सी ऑर्गेनली इसमें अफेक्ट रहेगी, फटाफट बताओ। HGPS जो है, हचिंसन गिल्फर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम जो है, इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनली अफेक्टेड रहेगी, तो इसके अंदर अपने पास क्या देखने को मिलेगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसका ब्रेकडाउन या फिर डिस्टोर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिस्टोर्शन होने का, डिस्ट्रक्शन होने का रीजन अगर पूछ लिया जाए तो वो रहेगा एक्युमुलेशन ऑफ ए अबनॉर्मल प्रोटीन। एक्युमुलेशन हो जाता है, जुड़ जाती है कौन, एक अबनॉर्मल प्रोटीन, कौन सी अबनॉर्मल प्रोटीन यहां पर जुड़ती है, तो उसका नाम होता है अपने पास लैमिना ए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लैमिना ए नाम की प्रोटीन कहां पर मिलती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मिलेगी, किस डिजीज में ये एक्युमुलेट होती है, तो HGPS में ये एक्युमुलेट देखने को मिलती है। सिंपली HGPS जो है, हचिंसन गिल्फर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। होता क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर देती है, और उसका रीजन रहेगा एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम क्या रहेगा, लैमिना ए रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या क्या याद रखना है, इसके पास बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के भी एंजाइम है, यूरिया सिंथेसिस के एंजाइम अगर पूछ लिया जाए तो वो भी कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और हीम सिंथेसिस के एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, सिट्रिक एसिड के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में, यूरिया साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और हीम सिंथेसिस के एंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, और साथ के साथ सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है, सुसाइडल बैग किस ऑर्गेनली के लिए टर्म यूज की जाती है, तो सुसाइडल बैग टर्म जो यूज की जाती है वो लाइसोसोम्स के लिए यूज की जाती है। जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइसोसोम के टूटने से बाहर निकलते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या रहेगा, सेल डेथ रहेगी, यानी कि हम बोलते हैं कि सेल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोला जाता है। अब बात आती है माइक्रोसोम्स क्या होते हैं और किससे ये बनते हैं। तो जब भी यूकैरियोटिक सेल का ब्रेकडाउन किया जाता है, तब उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस स्ट्रक्चर से कुछ एक वेसिकल बनते हैं, और उन वेसिकल्स को नाम दिया जाता है माइक्रोसोम्स। तो माइक्रोसोम किससे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं, अगर पूछ ले कि हमारी सेल के अंदर हमने बोल दिया कि प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाएगा, उसके मॉडिफिकेशन कौन करेगा, तो वो करेगा अपने पास गोल्जी अपरेटस। क्या करेगा, गोल्जी अपरेटस प्रोटीन के मॉडिफिकेशन करने का काम करेगा, और रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इस सेल ने कोई प्रोटीन बना दी, उस प्रोटीन को बाहर ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा, पहले इसका मॉडिफिकेशन करेगा और उसको बाहर भेजने का काम करेगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो अब्सेंट रहती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कॉमन ऑर्गेनेली कौन सी मिलेगी, तो उनको बोलते हैं राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स है दोनों टाइप की सेल में कॉमन देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। उसके बाद लाइसोसोम जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन अपने पास ऑर्गेनेली देखने को मिलती है, जो अपने पास लाइसोसोम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी लेयर होती हैं, दो लेयर। न्यूक्लियस के पास भी दो लेयर मेम्ब्रेन की होती है, लेकिन इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम के अंदर अगर एंजाइम पूछ लिए जाते हैं कौन से होते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक या फिर हाइड्रोलेजिस उन एंजाइम्स को नाम दिया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, किस एंजाइम को हम टीयर पिगमेंट बोलते हैं, टीयर पिगमेंट या फिर एज पिगमेंट, कौन से पिगमेंट को टीयर पिगमेंट या फिर एज पिगमेंट बोला जाता है, फटाफट बताओ, एज पिगमेंट किसे बोला जाता है, एज पिगमेंट किस पिगमेंट को बोला जाता है। तो एज पिगमेंट बोला जाता है हमारे पास लाइपोफ्यूस्टिन को। लाइपोफ्यूस्टिन इसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर या फिर एज पिगमेंट। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑटोलाइसिस जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, टिश्यू का जब सैंपल लेते हैं अगर उसको फिक्स ना करें तो वहां पर ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, तो ऑटोलाइसिस का रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन होता है लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसके लिए, पोस्टमार्टम ऑटोलाइसिस के लिए, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद टिश्यू निकलेगा उसके लिए, या फिर नॉर्मली हम लैब में टिश्यू लेते हैं जिसको हम फिक्स नहीं करेंगे। ऑटोलाइसिस जहां पर भी होगा हमारे टिश्यू का, वहां पर लाइसोसोम्स का रोल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास आई सेल डिजीज। यह एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। क्या है, एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, और इसका रीजन क्या रहेगा, अब्सेंस ऑफ सम हाइड्रोलेजिस की अगर अब्सेंस रहेगी कहां पर, लाइसोसोम्स में, तो हम बोलेंगे कि यहां पर प्रोटीन टारगेटिंग अफेक्ट क्या होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आई सेल डिजीज किससे रिलेटेड है, लाइसोसोम से, यानी कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, इसके अंदर हाइड्रोलेजिस अब्सेंट रहेंगे और प्रोटीन टारगेटिंग इसमें अफेक्ट होती है। जैसे जैसे लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, वैसे ही पर ऑक्सीसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कैटालेज एंजाइम कहां पर मिलते हैं, प्रोक्सीसोम्स में, और हाइड्रोलेज एंजाइम कहां पर मिलते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर मिलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो यहां से पूछी जाती है, जेलवेगर सिंड्रोम पूछी जाती है, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जेलवेगर सिंड्रोम किससे रिलेटेड रहेगी,
तो जेलवेगर सिंड्रोम रिलेटेड किससे रहेगी, पर ऑक्सीसोम से रिलेटेड रहेगी। जेलवेगर सिंड्रोम में क्या रहेगा, फंक्शनल फंक्शनल परोक्सीसोम फंक्शनल परोक्सीसोम्स की अब्सेंस रहेगी, यानी कि अगर फंक्शनल परोक्सीसोम अब्सेंट है हमारी सेल में तो क्या देखने को मिलेगा, जेलवेगर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में जो बर्थ होने के बाद बच्चा है वो एक साल की उम्र तक ही उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म अगर पूछ ली जाए तो नेचुरल सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, कौन सी टर्म दी जाती है नेचुरल सेल डेथ को, फटाफट बताएं कि नेचुरल सेल डेथ के लिए, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी से बोलते हैं, तो कौन सी टर्म इनके लिए यूज की जाती है, तो फटाफट बताएं नेचुरल सेल डिजीज नेचुरल सेल डेथ के लिए कौन सी टर्म हम यूज करते हैं। तो नेचुरल सेल डेथ के लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं अपोप्टोसिस, क्या बोलते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस के द्वारा अलग, अपोप्टोसिस से अलग एक टर्म है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होती है सडन डेथ, सडन सेल डेथ पूछ ली जाए तो नेक्रोसिस, लेकिन प्रोग्राम्ड सेल डेथ या नेचुरल सेल डेथ क्या रहेगी, अपोप्टोसिस रहेगी। और एंजाइम अगर आपसे पूछ ले कि अपोप्टोसिस में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तो कैसपेजेज एंजाइम यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक से थोड़ा आगे निकलते सेल से आगे बढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसी कौन सी पॉलीसेकेराइड है जो हम GFR को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कौन सी पॉलीसेकेराइड को GFR मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो यहां पर अपना आंसर रहेगा इनुलिन। क्या रहेगा, इनुलिन। इनुलिन किसकी पॉलीमर रहेगी, देखो हमने बोला इनुलिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, क्या है एक पॉलीसेकेराइड है, तो इसके अंदर क्या जुड़ी होंगी, मोनोसेकेराइड की यूनिट जुड़ी होंगी, तो इनुलिन किसका पॉलीमर माना जाता है, तो ये रहेगा अपने पास फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का पॉलीमर इनुलिन बनता है। और इंसुलिन, इंसुलिन एक क्या अपने पास प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है, जो कि ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में कम करने का काम करता है। और इंसुलिन बनता कहां पर है, तो ये बनता अपने पास पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री से जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं गैग्स का, क्या नाम देते हैं गैग्स, तो गैग्स क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे जॉइंट्स के अंदर शॉक अब्जॉर्बर का काम कौन करता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम कौन करता है, तो एक गैग या फिर पॉलीसेकेराइड जो कि जॉइंट्स में पाया जाता है और शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है वो रहेगा अपने पास हाई एल्यूरोनिक एसिड जो है वो हमारे जॉइंट्स में मिलता है और शॉक अब्जॉर्बर और उसके साथ साथ लुब्रिकेंट की तरह भी वो काम करता है। तो अगर पूछ लिया जाए शॉक अब्जॉर्बेंस कौन करेगा, हाई एल्यूरोनिक एसिड करेगा। उसके बाद जो ओम होगा उसके चारों तरफ भी हाई एल्यूरोनिक एसिड पाया जाता है और इस हाई एल्यूरोनिक एसिड को तोड़ने का काम करेगा हाई एल्यूरिडेज नाम का एंजाइम है
ये ब्रेक डाउन कर देगा और बीटा 1,4 लिंकेज जो है इसके अंदर उसको तोड़ने का काम करेगा। अगर पूछ लिया जाए आपसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अंटार्कटिक एरिया है वहां पर मछली पाई जाती है, तो ये मछली वहां पर कैसे सरवाइव करती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर -2 डिग्री से भी कम मिलता है, यानी कि वहां पर सब कुछ जमा हुआ फ्रीज्ड कंडीशन में मिलता है, तो अंटार्कटिक रीजन में फिश का सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? तो क्या आपको पता है क्यों या क्या रीजन है कि वहां पर फिश सर्वाइव करती है? क्या रीजन रहेगा कि वहां पर ये फिश सर्वाइव करेंगी? तो ये रीजन रहेगा अपने पास, जो फिश होती है अंटार्कटिक रीजन में, जो फिश अंटार्कटिक रीजन में पाई जाती हैं, उनके पास एंटी फ्रीज ग्लाइको प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एंटी फ्रीज ग्लाइको प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि वो फ्रीज नहीं होंगी, और फ्रीज नहीं होंगी तो ये फिश आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। ऐसी कौन सी पॉलीसेक्राइड है या कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का काम करती है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का काम करती है, तो आंसर रहेगा डेक्सट्रान, और ये डेक्सट्रान जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाई जाती है। जो फंगस की सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हमने पढ़ा था काइटिन, ये भी अपने पास क्या है, पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है। बनी किसकी होंगी ये? जो काइटिन होती है अपने पास एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट की बनी हुई होती है। काइटिन पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल रहेगी। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी अपने पास सेलुलोज। कौन सी रहेगी? सेलुलोज। सेकंड मोस्ट अबंडेंट अगर पूछ ली जाए तो वो क्या मिलेगी? काइटिन मिलेगी। स्टोरेज फॉर्म अगर पूछ ली जाए, स्टोरेज फॉर्म क्या रहेगी कार्बोहाइड्रेट की? एनिमल्स में क्या रहेगी और प्लांट्स में क्या रहेगी? तो प्लांट्स के अंदर रहेगी स्टार्च। क्या रहेगी? स्टार्च। और एनिमल के अंदर क्या रहेगी? ग्लाइकोजन रहेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एनिमल स्टार्च किसे बोला जाता है, एनिमल स्टार्च नाम किसको दिया जाता है, तो स्टार्च के इक्विवेलेंट काम कौन करता है? ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल। तो इसलिए ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता अपने पास, अगर आपसे पूछ लिया जाए हम पढ़ते हैं वैक्स के बारे में, तो वैक्स के अंदर मोस्ट कॉमन अल्कोहल कौन सी पाई जाती है? मोस्ट कॉमन अल्कोहल जो वैक्स के अंदर पाई जाती है कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी अपने पास सी इथाइल अल्कोहल मोस्ट कॉमन अल्कोहल रहेगी वैक्स के केस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होंगे, तो एसेंशियल फैटी एसिड दो रहेंगे, एक तो रहेगा लिनोलेइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लिनोलेइक एसिड पहला, और दूसरा क्या रहेगा? लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेइक एसिड, ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक तीसरा जो अपने पास एक फैटी एसिड का एग्जांपल है जिसको बोलते हैं अरेकिडोनिक एसिड, इसका प्रिकर्सर जो माना जाता है इसे बोलते हैं लिनोलेइक एसिड।
जो अपना इसेंशियल फैटी एसिड है लिनोलेइक एसिड, इट एक्ट्स एज प्रकर्सर फॉर अरेकिडोनिक एसिड। लेकिन अगर लिनोलेइक एसिड की सप्लाई नहीं होगी तो ये वाला एसिड अरेकिडोनिक एसिड भी हमारे लिए इसेंशियल हो जाएगा। नॉर्मली कितने इसेंशियल हैं? दो, लेकिन इस कंडीशन में अरेकिडोनिक भी हमारे लिए क्या रहेगा? इसेंशियल रहेगा। एक डिजीज का नाम आता है टोड स्किन डिजीज। क्या आता है? टोड स्किन डिजीज, जिसको हम हाई क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्राइनोडर्मा, फ्राइनोडर्मा भी बोलते हैं। तो फ्राइनोडर्मा या फिर टोड स्किन का रीजन क्या रहेगा? तो ये रहेगा अपने पास डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर इसेंशियल फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाए, क्या हो जाए, एसिड फैटी एसिड जो कि इसेंशियल उनकी डिफिशियंसी हो जाए, तो कौन सी डिजीज होगी? तो वो होगी अपने पास टोड स्किन डिजीज। टोड स्किन डिजीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उनके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ई एक तरीके का हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। यूरेट जो है हमारी बॉडी में, वो भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और तीसरा जो रहेगा, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आयोडीन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, तो देखो सिंपली कुछ एक नंबर है। पहला रहेगा आयोडीन नंबर, दूसरा रहेगा सेपोनिफिकेशन नंबर, तीसरा रहेगा आरएम नंबर, और चौथा रहेगा अपने पास एसिड नंबर। ये चारों नंबर जो हैं, ये यूज किए जाते हैं प्योरिटी चेक करने के लिए आईडी नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर, आरएम नंबर और एसिड नंबर यूज किया जाता है। लेकिन ये प्योरिटी किसकी चेक की जाती है? तो ये प्योरिटी चेक की जाती है अपने पास फैट की या फिर लिपिड की आप बोल सकते हो। तो फैट की प्योरिटी के लिए भी सारे टेस्ट यूज करते हैं, सारे नंबर यूज करते हैं। साथ के साथ अगर पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, तो आयोडीन नंबर क्या चेक करता है? रिलेटिव अनसेचुरेशन ऑफ फैट को कौन डिटेक्ट करेगा, कौन बताएगा? आयोडीन नंबर बताएगा। जो सेपोनिफिकेशन नंबर है वो क्या बताएगा? एवरेज मोलिकुलर वेट बताएगा। किसका? फैटी एसिड्स का एवरेज मोलिकुलर वेट कौन बताएगा? सेपोनिफिकेशन नंबर बताएगा। बटर की प्योरिटी अगर चेक करनी है, प्योरिटी ऑफ बटर की प्योरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? आरएम नंबर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आरएम नंबर का यूज करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्री फैटी एसिड अगर चेक करना है, तो उसके लिए हम एसिड नंबर यूज करते हैं। ओवरऑल चारों नंबर हम प्योरिटी के लिए करते हैं, और पर्टिकुलर तो रिलेटिव अनसेचुरेशन के लिए आईडी नंबर, एवरेज मोलिकुलर वेट के लिए सेपोनिफिकेशन नंबर, और प्योरिटी ऑफ बटर के लिए आरएम नंबर। और फ्री फैटी एसिड की डिग्री अगर चेक करनी, कितनी परसेंट फ्री एसिड प्रेजेंट है फ्री फैटी एसिड, तो उसके लिए एसिड नंबर यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, विच इज सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो सबसे सिंपलेस्ट होती है, कौन सी होती है? फटाफट कमेंट करें, कौन सी लिपिड को सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड बोला जाता है? कौन सी फॉस्फोलिपिड को
सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉस्फेटी डाइटिक एसिड, जो कि सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड कौन सी है, तो मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड जो रहेगी वो रहेगी लेसिथिन। कौन सी रहेगी? लेसिथिन रहेगी, जिसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? फॉस्फेटी डाइकोलीन का नाम दिया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट लेसिथिन, सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिक एसिड। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ सकते हैं, सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड कौन सी। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड पूछी है, अगर पूछ ले सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड कौन सी रहेगी, तो ये क्या रहेगा? सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड रहेगा अपने पास सेरेब्रोसाइड। क्या रहेगा? सेरेब्रोसाइड रहेगा। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड अगर पूछ ली जाए तो वो क्या रहेगा अपने पास? वो रहेगा गैंग्लियोसाइड रहेगा। क्या रहेगा? गैंग्लियोसाइड। तो सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड, दो फॉस्फोलिपिड अपने पास, सिंपलेस्ट और कॉम्प्लेक्स, और दो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। तो सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिक एसिड, मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, यहाँ पे अबंडेंट है, यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपलेस्ट ग्लाइकोजन सेरेब्रोसाइड, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड गैंग्लियोसाइड। तो ये चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो आपसे पूछी जा सकती है ये रहेगी अपने पास टे सेक डिजीज है, उसके बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो ये जो डिजीज है इसमें क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है। किस चीज का एक्युमुलेशन होगा? तो वो होगा अपने पास GM2 का। अब ये GM2 क्या है? तो ये GM2 है गैंग्लियोसाइड मोनोसियलिक एसिड 2। क्या है अपने पास? गैंग्लियोसाइड मोनोसियलिक एसिड 2। तो ध्यान में रखना है टेस्ट डिजीज किसके एक्युमुलेशन से होती है, GM2 जिसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड मोनोसियलिक एसिड 2। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी बॉडी के अंदर लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर लिपिड। लिपिड के लिए कौन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करेगा? तो उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपने पास? लाइपोप्रोटीन्स रहेगा। जो लाइपोप्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता अपने पास जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल उसकी दो फॉर्म हम पढ़ते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं? HDL को। और बैड किसको बोलते हैं? LDL को बोलते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या रहेगा अपने पास? HDL की फुल फॉर्म क्या होती है? फटाफट टाइप करें, HDL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो HDL की फुल फॉर्म रहेगी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL की फुल फॉर्म क्या रहेगी? लो डेंसिटी हाइपोप्रोटीन लाइपोप्रोटीन। LDL को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL को बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है और कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट किया गया था, तो उसको पहली बार बाइल से आइसोलेट किया गया था। जो कार्बन की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 27 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपी की, माइक्रोस्कोपी में अगर कोलेस्ट्रॉल को देखा जाए तो उसके क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, तो उसके क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, नोज्ड अपीयरेंस दिखाएंगे। अगर किसी क्रिस्टल की अपीयरेंस नोज्ड अपीयरेंस है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्रिस्टल किसके बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के बने हुए हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट या एस्टिमेट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल के एस्टिमेशन के कौन कौन से मेथड आपको याद करने हैं, तो तीन मेथड मैं बता रहा हूं यहाँ पे, तीन मेथड SZL, एस से बनेगा अपने पास सल्कोवस्की मेथड, दूसरा बनेगा अपने पास जैक्स मेथड, और तीसरा क्या बनेगा अपने पास, लिबरमैन बुरचार्ड रिएक्शन। तो ये तीन एग्जांपल याद रखने हैं जो कि मेथड है कोलेस्ट्रॉल को एस्टिमेट करने के लिए, कौन कौन से, सल्कोवस्की मेथड, जैक्स मेथड, लिबरमैन बुरचार्ड रिएक्शन, ये तीनों क्या है, कोलेस्ट्रॉल के एस्टिमेशन के मेथड होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो लिविंग सिस्टम में मोस्ट अबंडेंट कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल मोस्ट अबंडेंट रहेगा, फटाफट बताएं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं या फिर डीएनए है, इन सभी में से मोस्ट अबंडेंट कौन सा मिलेगा अगर हम बात करें एक लिविंग सिस्टम की, तो मोस्ट अबंडेंट जो रहेगा वो रहेगा मेरे पास प्रोटीन, क्या रहेगा, प्रोटीन। अगर हम बात करें सेलुलर वेट की, तो कोई भी सेलुलर वेट अगर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो 50% किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। और इसी वजह से कुछ एक प्रोटीन जो कि डायनेमिक फंक्शन होती है, यानी कि चलती फिरती जो काम करती है, उनको वर्किंग हॉर्स ऑफ सेल भी बोला जाता है। जैसा कि आपको पता है प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन के लिए टेस्ट अगर पूछ लिया जाए, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जेल्डल मेथड, क्या बोलते हैं, जेल्डल्स मेथड। तो ये मेथड भी पूछा जा सकता है कि जेल्डल मेथड जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन या फिर प्रोटीन के नाइट्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ऐसा माना गया है, जब भी कैलकुलेट किया गया है जेल्डल मेथड से, कोई भी प्रोटीन अगर है उसके अंदर 16% जो मिलेगा वो नाइट्रोजन का कंटेंट मिलता है। तो अगर प्रोटीन में पूछ लिया जाए, अगर 100 ग्राम प्रोटीन है तो उसमें नाइट्रोजन कितना मिलेगा, तो 16 ग्राम उसके अंदर क्या मिलेगा, नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपने पास हम जनरली पढ़ते हैं अमीनो एसिड क्या होते हैं, मोनोमर होती है, किसका, प्रोटीन का। अमीनो एसिड मोनोमर की तरह काम करते हैं, किसकी मोनोमर, प्रोटीन की तरह। जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मोनोमर अमीनो एसिड होती है, और अमीनो एसिड जनरली कितने देखने को मिलते हैं, 21। लेकिन अब 21st और 22nd अमीनो एसिड भी डिस्कवर हो चुके हैं। 21st अमीनो एसिड का नाम पूछा जाए तो सिलेनोसिस्टीन, क्या रहेगा, सिलेनोसिस्टीन। और 22nd का नाम पूछ लिया जाए तो पायरोलाइसिन रहेगा, क्या रहेगा, पायरोलाइसिन रहेगा। उसके बाद एक डिजीज का नाम आता है अपने पास चाइनीज
रेस्टोरेंट चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम, ये क्या होता है देखो, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर इंटॉलरेंस आ जाती है। किसकी इंटॉलरेंस आएगी, तो इंटॉलरेंस टू एमएसजी। अभी एमएसजी क्या आ गया, ये एमएसजी अपने पास मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है उसकी अगर इंटॉलरेंस डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। अब ऐसा नाम इसका क्यों रखा गया, देखो जो अपने पास एमएसजी है इसको हम फ्लेवरिंग एजेंट की तौर पे यूज करते हैं और रेस्टोरेंट में हम ये यूज करते हैं, तो हम मानते हैं कि चाइनीज रेस्टोरेंट में ऐसा ये देखा जाता है और वहां पे ये क्या करता है, इंटॉलरेंस डेवलप करवा लेता है। तो एमएसजी के लिए अगर इंटॉलरेंस डेवलप हो गई तो डिजीज का नाम रहेगा चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। क्या रहेगा, चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम रहेगा जो अपने पास चिलेनोसिस्टिन और पायरोलाइसिन नाम के अमीनो एसिड हैं, ये स्टॉप कोडोन्स के द्वारा कोड किए जाते हैं। और वो कोड क्या रहे हैं, देखो सिलेनोसिस्टिन का जो कोड रहेगा वो UGA रहेगा। UGA एक स्टॉप कोडोन है जो कि सिलेनोसिस्टिन को इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है। पायरोलाइसिन को कौन सा कोडोन इंसर्ट करवाएगा, तो ये रहेगा अपने पास UAG। तो पायरोलाइसिन UAG, सिलेनोसिस्टिन UGA। सिंपली अगर पूछ लिया जाए अमीनो एसिड से, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कौन सा है, तो वो रहेगा अपने पास ग्लाइसिन। कौन सा रहेगा, ग्लाइसिन रहेगा। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्विटर आयन के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, तो फटाफट बताएं जो ज्विटर आयन है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, ज्विटर आयन के ऊपर नेट कितना चार्ज होता है। ज्विटर आयन जो रहेगा उसके ऊपर अगर हम बात करें नेट चार्ज की, तो नेट चार्ज ज्विटर आयन के ऊपर जीरो रहेगा। जो ज्विटर आयन बनता है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में पाए जाते, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसा कौन सा पीएच है जिसके ऊपर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पीएच को क्या नाम दिया जाता है जिस पीएच के ऊपर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है, तो उस पीएच को नाम दिया जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। क्या नाम दिया जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक नाम दिया जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पीएच अगर पूछ लिया जाए तो ऐसा पीएच जिसके ऊपर ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रिक पीएच की, तो हमने देखा कि उसके ऊपर क्या मिलेगा, ज्विटर आयन मिलेगा, लेकिन उससे कम पीएच भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो लेस देन आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पर जो अमीनो एसिड मिलेगा वो पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, और ग्रेटर देन आइसो इलेक्ट्रिक पीएच रहेगा तो वहां पर चार्ज कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक पढ़ते हैं हम गाबा। क्या पढ़ते हैं, गाबा, फुल फॉर्म क्या रहेगी, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गाबा की फुल फॉर्म क्या रहेगी, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड रहेगी। बनता किससे, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन ये पूछेंगे गामा इज फॉर्म्ड फ्रॉम या गाबा इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो ये बनता किससे, कौन से अमीनो एसिड से बनेगा, तो ये बनेगा अपने पास
ग्लूटामेट से, ग्लूटामेट अमीनो एसिड गाबा को बनाने का काम करता है, कब बनेगा, जब ग्लूटामेट का डीकार्बोक्सीलेशन होगा, क्या होगा, डीकार्बोक्सीलेशन होगा, तब क्या बनेगा, ग्लूटामेट से गाबा बनेगा। निनहाइड्रिन रिएक्शन, निनहाइड्रिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसके लिए की जाती है, प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन्स में क्या करेगी, अल्फा अमीनो एसिड को डिटेक्ट करने का काम करेगी, और हम बोलते हैं इस रिएक्शन में क्या बनता है अपने पास, रुमेन रुमेन पर्पल बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, रुमेन पर्पल बनेगा निनहाइड्रिन रिएक्शन में। रिएक्ट कौन करेगा, अल्फा अमीनो एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, निनहाइड्रिन के साथ, और येलो कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगर रुमेन पर्पल है तो नॉर्मल अमीनो एसिड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, येलो कलर स्पेसिफिक कंडीशन में देखने को मिलता है, कब, जब यहाँ पर प्रोलीन नाम का, जब यहाँ पर प्रोलीन नाम का अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, डीएमिनेशन अगर कहीं पर होगी तो वहां से कौन सा केमिकल रिलीज होगा, कौन सा सब्सटेंस रिलीज होगा, तो इसका आंसर आएगा अपने पास फ्री अमोनिया। अगर कहीं पर भी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एमिनेशन होगा, वहां से हमको फ्री अमोनिया निकलता हुआ मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स, तो इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बताओ कि मैमल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कौन सी प्रोटीन है जो मोस्ट अबंडेंट मिलती है मैमल्स के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास कोलेजन, कोलेजन जो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, इवन सभी मैमल्स के अंदर यही मॉडिफिकेशन, यही प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट पाई जाती है। एक हम पढ़ते हैं सिस्टीन और एक हम पढ़ते हैं सिस्टाइन, एक हम पढ़ते हैं सिस्टीन और एक पढ़ते हैं सिस्टाइन, इनमें से अमीनो एसिड कौन सा रहेगा अपने पास, सिस्टाइन रहेगा और सिस्टाइन जो अपने पास वो किससे बनता है, दो सिस्टीन मॉलिक्यूल से, दो सिस्टीन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जब दो सिस्टीन के या दो सिस्टीन अमीनो एसिड जुड़ते हैं तब क्या बनता है, सिस्टाइन बनता है, यानी कि ये एक तरीके से डाइपेप्टाइड का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विल्सन डिजीज किसके एक्युमुलेशन से होती है, तो विल्सन डिजीज में जो अपने पास एक्युमुलेट होगा वो क्या होगा, कॉपर, कॉपर का जब एक्युमुलेशन होगा, कॉपर जब इकट्ठा हो जाएगा उस डिजीज को बोलते हैं विल्सन डिजीज, क्या बोलते हैं, विल्सन डिजीज बोलते हैं। उसके बाद एक ऐसा एंजाइम जो कि कोज करता है, किस, क्या कोज करता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, एक ऐसा एंजाइम जो किसी भी प्रोटीन का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दे, उस एंजाइम का नाम क्या रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोनेज, क्या नाम रहेगा, प्रोनेज, प्रोनेज एक ऐसा मिक्सर है नॉन स्पेसिफिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का जो कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा देता है, किसका, प्रोटीन्स का। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, पहले पूछा भी है, जो सेंगर रिएजेंट होता है, क्या होता है, सेंगर रिएजेंट होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो केमिकल नेम याद रखना है वन फ्लोरो टू फोर डाइनाइट्रोबेंजीन। अगर केमिकल नेम दिया जाए 1-fluoro-2-4-dinitrobenzene तो उसका नाम रहेगा सेंगर रिएजेंट, या सेंगर रिएजेंट का केमिकल नेम पूछ लिया जाए तो
वन फ्लोरो टू फोर डाई नाइट्रोबेंजीन रहेगा। दूसरा, ये क्वेश्चन पहले पीजीआई पूछ चुका है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, एडमॉन रिएजेंट का केमिकल नेम क्या रहेगा। एडमॉन रिएजेंट रहेगा अपने पास फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, क्या रहेगा, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, किसका नाम, एडमॉन रिएजेंट का नाम रहेगा। और एडमॉन रिएजेंट यूज किया जाता है, ये दोनों रिएजेंट जो यूज किए जाते हैं अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग के लिए किए जाते हैं। कोई भी प्रोटीन अगर है वो किसकी बनी होगी, अमीनो एसिड्स की, तो कौन सा अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड के बाद जुड़ा हुआ है उनकी सीक्वेंस अगर पता करनी है तो उसके लिए हम सेंगर सीक्वेंसिंग और एडमॉन सीक्वेंसिंग या एडमॉन डिग्रेडेशन सीक्वेंसिंग का यूज करते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक अपने पास आता है रामाचंद्रन प्लॉट, क्या आता है, रामाचंद्रन प्लॉट। ये रामाचंद्रन प्लॉट जो है ये क्या हमको बताता है, ये बताता है स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। देखो कोई भी प्रोटीन अगर है तो उसके अंदर क्या होगी, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बिखरी हुई होंगी, उनकी अरेंजमेंट जो रहेगी किस स्पेस में किस तरीके से वो अरेंज है उनको डिनोट करने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इंसुलिन से, इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, जो कि ओरिजिनली सिंथेसाइज होती है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड से, किससे सिंथेसाइज होती है, एक सिंथेसाइज होती है एक सिंपल